राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बचपन से ही बहुत ही आज्ञाकारी और मेहनती छात्र रहा था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसके व्यवहार में अंतर आने लगा। अब राजेश ना तो पहले की तरह मेहनत करता था और ना ही अपने माता पिता की बात सुनता था। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा। राजेश का बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय बन गया। जब इस आचरण की वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि राजेश बुरी संगत में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे नए नए मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची, सिनेमा देखने और तरह तरह के नशा इत्यादि करने के आदि हैं। ये पता चलते ही सभी ने राजेश को ऐसी दोस्ती छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर राजेश पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। राजेश का एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है पूरी तरह। मैं भले ही ऐसे मित्रों के साथ रहता हूँ, पर मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। खैर, दिन बीतते गए और परीक्षा का दिन समीप आ गया। राजेश ने परीक्षा से ठीक पहले कड़ी मेहनत की, पढ़ाई पर ध्यान दिया, पर वो उसके लिए पर्याप्त नहीं हुई और राजेश एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले, रैंक करने वाले राजेश के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम घटना नहीं थी। फेल होने की वजह से राजेश बिल्कुल टूट गया अंदर से। अब ना वो कहीं घर से बाहर निकलता था, ना ही किसी से बात करता था। बस दिन रात अपने कमरे में पड़ा रहता, सोता रहता। उसकी ये स्थिति देखकर परिवार जन और माता पिता चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूलकर आगे मेहनत करने की सलाह दी, पर राजेश पर उस सलाह का कोई असर नहीं पड़ा। वो एक प्रकार से डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। राजेश की ये बात जब उसके पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका सबसे प्रिय छात्र की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है। उन्होंने निश्चय किया कि वो राजेश को इस स्थिति से जरूर निकाल लेंगे और इसी मनसा के तहत उन्होंने राजेश को अपने घर पे एक दिन बुलाया। सर्दियों के दिन थे, प्रिंसिपल साहब घर के बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। राजेश उनके बगल में बैठ गया। वो बिल्कुल चुपचाप था। प्रिंसिपल साहब भी कुछ बोल नहीं रहे थे। 10-15 मिनट ऐसे ही खामोशी से बीत गए। किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब ने चिमटे से कोयले का एक धधकता जलता हुआ टुकड़ा उठाकर मिट्टी में डाल दिया, यानी बाहर निकाल दिया। वो टुकड़ा कुछ देर तक तो गर्मी देता रहा, पर अंततः वो ठंडा पड़ गया। यह देखकर राजेश ने अपने प्रिंसिपल से प्रश्न पूछा कि आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया ना। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटे, कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता। और ऐसा कहते हुए उन्होंने उस बुझे हुए कोयले के टुकड़े को जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वह कोयले का टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा। कुछ समझे प्रिंसिपल साहब राजेश के मुखातिब होकर बोले, तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही हो। पहले जब तुम अच्छी संगत में रहा करते थे तो मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, माता पिता का कहना मानते थे और अच्छे नंबरों से रैंक करते थे, पर जैसे वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगत में पड़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात यह है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण खत्म नहीं हो गए। जैसे वो कोयले का टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद बेकार नहीं हुआ,
और अंगीठी में वापस डालने पर धधक कर जल उठा। ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगत में जाकर मेहनत करके एक बार फिर अच्छे छात्रों की तरह अच्छे रैंक से पास कर सकते हो, अच्छे छात्रों की श्रेणी में दोबारा आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति होती है और मनुष्य के अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदल देने की ताकत होती है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। राजेश अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो चुपचाप उठा, अपने प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने भविष्य को सुधारने के लिए निकल पड़ा। तो आप किसी निश्चय के साथ आगे बढ़ने की सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, संगत अच्छी रखते हैं, तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। फिर खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।